न्यूज़। थैंक यू वेरी मच सर। आज के प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज इतना अच्छा इवेंट रखा है आपने? आज देखिए यहाँ पर देश के कोने कोने से और विदेशों से 5 अलग अलग कंट्री से स्पीकर, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ऐसे ऐसे कंट्रीज से स्पीकर्स आके MS टॉक्स पे बोले, आज तो दिल गदगद हो गया। और इतने सारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज आप जब सुनते हैं लाइव, इतने सारे लोगों से सीखते हैं, अपने आप में एक ऐसी खुशी महसूस होती है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। तो आज हमने यही देखा, फुल पैक्ड ऑडियंस, हमारा हॉल फुल पैक भरा हुआ है और इतने सारे लोगों ने इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं और बहुत सारे लोगों को अपनी बात रखने का जो प्लेटफॉर्म MS टॉक्स ने क्रिएट कर दिया है, 35,000 से ज़्यादा पब्लिक स्पीकर बोल चुके हैं अभी तक और 2.5 लाख पब्लिक स्पीकर्स की कम्युनिटी है। उसके अलावा हम लोग जो प्लेटफॉर्म में हमने क्रिएट करा है जिस पर लोग आकर के बोल रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग सीख भी रहे हैं और पब्लिक स्पीकिंग डिलीवर भी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव देश के अंदर आ रहा है। जी थैंक यू सो मच सर। स्वागत है पी न्यूज़ पर। सर आज का जो प्रोग्राम है इसके बारे में क्या कहेंगे? आज का प्रोग्राम ऑथर शेरी जी ने रखा है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इनका जो मिशन है कि स्पीकर्स क्रिएट करेंगे, आज जैसे कि हमने देखा साल का कोई पुणे से आया हुआ है, उसने इतना अच्छा बोला, ऐसे प्लेटफॉर्म्स अगर होंगे तो ही स्टूडेंट को, एक इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू गो अ लॉन्ग वे इन लाइफ। शेरी साहब ने कहा कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि लोग अपने बच्चों को ये ना कहें कि डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, पब्लिक स्पीकर बनाना है। वो आज इस प्रोग्राम में दिख रहा था जब वो 13 साल का बच्चा बोल रहा था और उसकी मदर ने कहा कि मैं अपने बच्चे को पब्लिक स्पीकर बनाना चाहती हूँ। दिस इज़ जस्ट अ हैट्स ऑफ टू द पर्सन हु इज़ बिहाइंड MS टॉक्स, दैट इज़ मिस्टर ऑथर शेरी। या सर ऑथर शेरी सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऑथर शेरी साहब के लिए यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहें। जो लोग सोच भी नहीं सकते, आपने उसे सोचा और आपने उसे रियलिटी में कन्वर्ट किया। आज का जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें ऑल ओवर कंट्री से पार्टिसिपेंट्स आए हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से स्पीकर्स आपने बुलाए हैं, ये अपॉर्चुनिटी इतनी यंग एज पे लोगों को देना बहुत ही अप्रिशिएबल है। और मैं श्योर हूँ कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है स्पीकर्स क्रिएट करने का और एक प्रोफेशन एज अ पब्लिक स्पीकर, लोग अपने बच्चे को देखें, वो दिन दूर नहीं, इनफैक्ट वो शुरू ऑलरेडी हो चुका है। थैंक यू सो मच सर। इन पी न्यूज़ आज के प्रोग्राम के लिए क्या कहेंगे? इट्स अ वेरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम which anyone would like to see the real change in your life, you be part of this wonderful community MS Talk and PSI that will make you to see the self courage, and your courage will make and receive great abundance in your life. Whatever you want, you are the creator of your life, your blessings, your miracles, your energy. So if you want to see the real change, start to respect your great energy. With your great energy you can attract the abundance in your life. Thank you very much. Yeah, what is your golden words in P News? For P News. News is very important. P News only. Yes, about in your P-news. Channel. P News, it's doing a very good service and trying to make sure people get the right energetic people to be there and share their values to the member of this country. Stay super blessed. Yeah, thank you so much. Thank you. P News. आप आज के प्रोग्राम के लिए क्या कहेंगे दीपक सर? सर लाइफ में ना एक चीज़ मैंने सीखी है, सबसे ज़रूरी चीज़ है अपॉर्चुनिटी मिलना जी, क्योंकि दुनिया में हर आदमी को सब चीज़ मिल सकता है सिवाय अपॉर्चुनिटी के, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है ना बाय द टाइम आप पहचानते हो वो निकल जाती है जी। फुल है इस इवेंट का ऑथर शेरी सर का, जिन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे जैसे हजारों लोगों को, क्योंकि ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, अपने इस नए मंच तक आ सकते हैं और यकीन मानिए आसमान भी छू सकते हैं। यस थैंक यू सो मच दीपक सर। थैंक यू। स्वागत है। थैंक यू सर। आज के प्रोग्राम के लिए क्या बोलेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत ही बढ़िया वंडरफुल प्रोग्राम था आज का, और अपने आप में पहला प्रोग्राम है ये इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग इवेंट। यस। और काफ़ी मज़ा आया, और जब भी ऑथर शेरी सर के साथ आते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स थे आज, हमने छोटे से बच्चे को देखा बोलते हुए, और इससे पता चलता है कि नया इंडिया तैयार हो गया। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिया वालों को अपने द्वारा? मैं कहना ये चाहूँगा अमिताभ बच्चन की वजह से मैं कहना चाहूँगा देवी और सज्जनों, समय बदल रहा है और उन सब स्किल्स को आप सीखें जिससे बहुत सारे पैसे बन सकते हैं, तो यही मैं कहना चाहूँगा। या थैंक यू सो मच सर। न्यूज़ सर,
Hello, this is the host and host TJ Gaurav Jain. Today I am the host for International Public Speaking Championship 2021. I'm so excited. We've already seen so much amazing performances today. It was not easy for everyone to come on the stage. And yes. Guess what? Today we have seen some international speakers as well. Some from Australia, Hong Kong and Canada. And so much to learn. So MS Talks, they are doing amazing work. My great wishes to them, and thanks to Author Sherry for giving this amazing platform. Thank you so much, sir. तो आपका स्वागत है. थैंक यू सर. आज के प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज का ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है. मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा MS Talks और Author Sherry को, जिन्होंने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है पब्लिक स्पीकर्स को. यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स आए वो बहुत ही अच्छे थे. उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज Author Sherry एंड MS Talks फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल इवेंट. इट वॉज माई ऑनर एंड प्लेजर टू बी हियर. थैंक यू सो मच सर. पी न्यूज़ मैम, या आज के प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहेंगे? Yeah, are you from? I'm from Afghanistan. Okay. आज के प्रोग्राम को लेकर Author Sherry सर के लिए कोई मैसेज? Author Sherry has been a great person. सर के ये कहना चाहते हैं कि he is very unique. He is such a good personality, and he inspired me and so many others in so many different ways. Yeah, thank you so much. आपका स्वागत है सर. आज के प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ के बहुत खुश हूँ, और ये पहली बार नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ. मैं इस बार जूरी हूँ यहाँ पे. यस. और जो ये प्लेटफॉर्म बना है MS Talks का, और ये जो पब्लिक स्पीकिंग का चैंपियनशिप हो रही है, वो भी इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप हो रही है, मुझे लगता है कि उसमें यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है. ये सागर है, जो मर्ज़ी चुनते रहिए, जो मर्ज़ी बहुत मोती यहाँ मिलेंगे, बस सीपी खोलने की ज़रूरत है. और जिस तरह से सारे स्पीकर्स आकर के अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, स्पीचेस दे रहे हैं, उनमें बहुत सारे मोती हमें अवेलेबल हो रहे हैं, और मैं इसके लिए Author Sherry का शुक्रगुजार हूँ. जी अच्छा, पी न्यूज़ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पी न्यूज़ बस अपना बढ़िया से काम करते जाइए. मीडिया के पास एक बहुत रोल और बहुत तगड़ा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अच्छे से निभाते रहिए. यही मैसेज है, और कहीं पर भी जरूरत हो हम आपके साथ. या थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. स्वागत है. या मैम, आज के प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहेंगे? MS Talks एंड इंटरनेशनल के लिए बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिससे बहुत सारे स्पीकर्स को अपने दिल की बात सीधे दुनिया तक पहुंचाने का मौका मिलता है. अपनी बात से कम्युनिकेशन के थ्रू पहुंचाना बहुत ही बड़ी आर्ट है. आप जो कहना चाहते हैं सारे शब्दों में भी कह सकते हैं, आप जो कहना चाहते हैं उसमें इम्प्रेसिव में भी कह सकते हैं. हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, ये सब कुछ बिना सीखे भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप सीख के बोलेंगे तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं. और अगर कम्युनिकेशन सीधा सामने वाले आदमी के दिल तक जाती है, तो फिर वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉप. जी पी न्यूज़ के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? अपने आप में वही मीडिया के पास बहुत बड़ी ताकत है. ऐसे लोगों को कम्युनिकेट करना सिखाना चाहिए. हमें क्या कहना है, कब कहना है, कितने शब्दों में कहना है, ये मीडिया से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता. मीडिया अपने आप में भी बहुत ही बड़ी तलवार है. जो तलवार कलम के पास है, मीडिया के पास है, वो किसी के पास भी नहीं. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. न्यूज़, थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. या व्हाट द मैसेज टुडे इवेंट? टुडे आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर टुडे. आई जस्ट लव द फैक्ट दैट आई एम हियरिंग सो मेनी वंडरफुल टॉक्स एंड स्पीचेस. एंड वी हैड लाफ्टर, वी एंजॉयड एवरी सेशन. I'm just so honored to be here, and I thank Author Sherry so much for the invitation. What your golden words in P News? For P News. Yes, ma'am. I'd like to wish a very healthy year for everybody. 2021 has been awful. We're looking forward to 2022. I wish your company a lot of blessings, and I hope that you do very, very well. Thank you so much, ma'am. स्वागत है. शुक्रिया सर. जी आज के इवेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ, बहुत खूबसूरत सक्सेस स्टोरीज, बहुत खूबसूरत फेलर्स की स्टोरी हमारे सामने आई आज इस इवेंट के दौरान. और Sherry का ये प्लेटफॉर्म हमेशा ऐसा रहा है जहाँ हमने लोगों को एक नीड से, एक फॉर्मेट से ग्रो करते देखा है.
एंड बहुत कम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं जहाँ ऑर्डिनरी लोगों के लिए खूबसूरत सी स्टोरीज, खूबसूरत प्लेटफॉर्म तैयार किए जाते हैं. आई थिंक एम एस टॉक इज रियली डूइंग दिस वंडरफुली एंड आई एम सो एक्साइटेड कि नेक्स्ट इवेंट में आगे क्या अनफोल्ड होगा. अभी तक हम लोगों ने बहुत खूबसूरत लॉन्चेस एक्सपीरियंस किए. वी एक्सपीरियंस सम ग्रेट इंटरव्यूज ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड वी हैव ऑल्सो सीन अ लॉट ऑफ ग्रेट टॉक्स. यू गाइस हैव बीन इंस्पिरेशन. थैंक यू. या थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच सर. आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ वंडरफुल इवेंट I must say, because public speaking is something which is very important for anyone, for any professional, whomsoever is in public domain, whether it is academics, whether it is industry, people from sales and marketing, or as an individual also. Because the most crucial issue which is now country is facing, that there is lack of awareness about different areas. And to create awareness, there is a strong need of connecting with the people. Yes. And this public speaking is something which trains the people who can speak in such a way which creates connects, and it helps in creating awareness among people about different things. So I am sure that this event will definitely need some very good speakers who will be taking it forward to understand different issues, to take it forward to the common people, to explain them by a strong connectivity. Yeah, आपका कोई upcoming event? आप चाहे तो बता सकते हैं. इन फैक्ट एट ITS गाजियाबाद वी हैव एनुअल इवेंट्स वेयर वी इनवाइट CEOs ऑफ डिफरेंट लीडिंग कंपनीज ऑल अक्रॉस द कंट्री. ओके. दे कम देयर, दे शेयर देयर एक्सपीरियंस, देयर पर्सपेक्टिव विद द स्टूडेंट्स, विद द ऑडियंस. एंड दिस डेफिनेटली हेल्प्स एवरी इंडिविजुअल टू क्रिएट देयर ओन प्लान, एक्शन प्लान, हाउ दे कैन प्लान, हाउ कैन प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर फ्यूचर course of action, how they can plan for their own profession. Yes. Like what is happening in future. So we are very soon coming up with this event. Okay, thank you so much sir. Thank you. P News पर स्वागत है. मैम आज के प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहेंगे? बड़ा यूनिक है, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना बड़ा मुश्किल है. तो ये सारे पब्लिक स्पीकर्स के लिए ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. क्या होता है कि हम बोलते हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, बोलना भी चाहते हैं, और कुछ लोग तो बोलते भी हैं. जैसे कि मैं ट्रेनर हूँ, डेली अपने ट्रेनिंग के सेशंस में बोलते भी हूँ. लेकिन इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलना जहाँ उस अपनी इंडस्ट्री से कुछ अलग करके अपने बारे में या अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना चाहते हैं, दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी. एंड इट्स नॉट ओनली नेशनल, इट्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच. वेरी गुड. थैंक यू सो मच. आपका स्वागत है. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक्स अ लॉट ऑथर शेरी, आपने हमें यहाँ बुलाया. और आपके इस MS Talk जो आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. लोगों को जिसको फियर है बात करने का और पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, वो आप उनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हो. ये आपने बहुत अच्छा एक गार्डन लगाया है जी. हम सब पौधे हैं. थैंक यू ऑथर शेरी फॉर इन्वाइटिंग मी. माई सेल्फ नितिन अरोड़ा फ्रॉम मीट एंड ट्रीट कैटरर्स. थैंक यू. या थैंक यू सो मच सर. वेलकम. स्वागत है. थैंक यू. सर जैसे कि आज का ये MS Talk का प्रोग्राम था, इवेंट में आगे कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे आप? इवेंट देखा बहुत ज़बरदस्त था. एक बार पहले भी मैंने एक इस टाइप का इवेंट अटेंड किया था तो शहरी की तरफ से ही. उस टाइम पर जो लर्निंग थी, आज की जो लर्निंग है, इस टाइम बहुत सीखने को मिला, आज बहुत सीखने को मिला. और कोविड के बाद स्पेशली ऑफलाइन सेशन का मज़ा ही कुछ और है यार. आई रियली एंजॉयड द सेशन. थैंक यू सो मच सर. आपका स्वागत है. थैंक यू जी. आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? आज का प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन था. एक इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया एज अ पार्टिसिपेंट, और साथ ही में मैंने अपनी बुक भी लॉन्च करी, जस्ट शो ABCD ऑफ इंफॉर्मेशन. ये एक ऐसी बुक है जो भी इंसान अपने आप को अकेला समझता है, चाहे वो अकेला है या वो फैमिली से सबसे बड़ा है, उन सबकी लाइफ में मैजिकल लाइफ क्रिएट करने में हेल्प करता है. तो अपनी बुक भी लॉन्च करी, और साथ ही में होटल शहरी के साथ का जो कोऑर्डिनेशन है बहुत ही ज़बरदस्त है. एंड जाते जाते पब्लिक स्पीकिंग चैम्पियनशिप में जब अवार्ड मिल जाता है तो एकदम चार चार मज़ा ही आ जाता है. तो आई गॉट द अवार्ड ऑल्सो, सो आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दिस चैम्पियनशिप. या पी न्यूज के लिए कोई मैसेज? पी न्यूज के लिए लोड्स ऑफ मैजिकल ब्लेसिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. जो भी व्यूअर्स हैं उन सबको मैं ये कहूँगी कि अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कीजिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में इस्तेमाल कीजिए. ये मैजिकली वर्क करता है, और अगर आपको नहीं समझ
कॉन्टैक्ट मैजिकल सुदीप। ओके थैंक यू सो मच सुदीप। कोने कोने से हमारे यहाँ पे MS Talks पे स्पीकर आए, पांच अलग अलग कंट्री से स्पीकर आए, चार जूरी, लोरेन यंग जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, राजीव नारंग जी जो कि सेल्स कंसल्टेंट है, टेडेक्स स्पीकर हैं, पर्ल बैल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच हैं और लिंग्विस्टिक ट्रेनर हैं, डॉक्टर वरुण कथियाल जो कि सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ये सारे हमारे जूरी पैनल में थे, अलग अलग स्पीकर्स थे। बहुत आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम रहा। दो किताबें लॉन्च हमने यहाँ करी हैं, मिस सुदीप्ति की और एक आई इंस्पायर के नाम से किताब लॉन्च हुई है, जिसमें करीबन 12-13 लोगों ने यहाँ पे लॉन्च करी है, होटल लेमन ट्री गुरुग्राम सेक्टर 29 हरियाणा में। और ये सारा का सारा प्रोग्राम आज आप जितने हम लोगों ने देखा है, सभी लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर फील करके जा रहे हैं। और ऐसा ही होता है जब एक बहुत बड़ा मंच मिल जाए और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाए MS Talks ने जैसे किया। या सर, आए हुए सभी गेस्टों को क्या मैसेज देंगे आप? मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज अगर आप एज अ गेस्ट आए हैं, नेक्स्ट टाइम आप एज अ स्पीकर भी आएँ और लोगों को बताएं कि कैसे कॉमन मैन के लिए MS Talks ने वो कर दिखाया जो कि लोग सोचते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में क्रिएट हो चुका है और नेशनल नहीं इंटरनेशनल लोगों तक भी पहुँच चुका है। थैंक यू सो मच आउतोशेरी।